सुहेल अभी आपने, आपका बड़ा तजर्बा है पाकिस्तानी फिल्मों पे और आप बड़ी गहराई में जाते हैं और आप कुंदास साहबा के बारे में बहुत जानते हैं, कोई इनसे आप कोई पर्टिकुलर? मेरा ख्याल था कि मोहब्बत जिंदगी है और जब जब भूल में से कोई एक होती इसमें, क्योंकि मोहब्बत जिंदगी है मैं आपके गाने जो थे तो चुरे चुरे दादा दादा सबको आज भी याद है, और जब जब भूल चले इसलिए कि उसमें तीनों हीरोज थे और आपका नदीम और वही घोड़ा दोनों के साथ पेयर था, तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा मुश्किल तो उसमें काम करने में हुई होगी आपको, और थी भी अच्छी फिल्म नहीं, जिनका नाम मैंने फिल्मों का लिया सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे उनमें हुई। हैदर अली रिहाज शाहिद की डेथ के बाद बनी थी। कौन सी थी? हैदर अली जो थी। जी जी, रिहाज शाहिद साहब उसका पेपर वर्क कर रहे थे जी। और अच्छा, क्या ये बात दुरुस्त है कि पहले वो रोल नीलो करने वाली थी या आपको रिहाज शाहिद ने चूज किया था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं था? आपकी मुलाकात हुई थी रिहाज शाहिद साहब से? नहीं, मेरी मुलाकात तो नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने एक गाना मेरा पिक्चराइज किया था सलाम मोहब्बत का। अच्छा, बस उनसे मेरी इतनी मुलाकात है, लेकिन मैंने उनकी किसी ज़ाती फिल्म में काम नहीं किया। मतलब हैदर अली चूँकि 77-78 में आई है जी, राजा गजफर साहब ने बनाई थी जी, और मसूद परवेज साहब, मसूद परवेज और ख्वाजा खुर्शीद उन लोगों की जब म्यूजिक थी जी जी, तो वो हाँ मुश्किल फिल्म थी और बहुत पावरफुल भी थी इन सेंस में। और इंतज़ार तो खैर उसमें पहली स्टैब्लिश एक्टर्स थे जी, नदीम साहब थे, शबनम थी, बाबरा भी थी जी जी। तलाश वही कहेंगी आप? तलाश, तलाश मेरी स्टार्टिंग की फिल्म थी, तो वो जैसे तीन बहनें हैं बस इतना कोई खास नहीं था, लेकिन उसमें जो रोल था आपका जी, क्या वालिद जो है आपके नीचे धागे में है और आप गाना गा रही हैं और वो आते हैं, फिर बहुत इमोशनली चार्ज वो था। सही बात है। अच्छा, एक फिल्म मैं पूछना चाह रहा था, हीरो जो वही मुराद थी डेथ के बाद रिलीज हुई है जी, उसमें क्या हुआ था कि आपका वही मुराद के साथ जो काम था वो हो गया था, क्योंकि कुछ सीन्स वही मुराद के जो थे वो बाद में किए गए थे, किसी और स्टैंड यूज किया था, क्या किया था उन्होंने? पिक्चर तो कंप्लीट हो गई थी उनकी अच्छा। जिंदगी में, लेकिन कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टर चेंज करते हैं कि इसकी जगह ये होना चाहिए, इसकी जगह ये होना चाहिए, इसलिए फिर उन्होंने वो पैच वर्क किया बाद में। अच्छा, वही बात साहब डायरेक्ट कर रहे थे या बाद में पहले ही कर रहे थे डायरेक्ट उसको? मैं समझी नहीं। मैंने सुना था कि वही साहब डायरेक्ट खुद कर रहे थे और उनकी डेथ के बाद जो पैच वर्क और बाकी चीज़ें थी वो इकबाल यूसुफ ने टेक ओवर किया था। जी बिल्कुल, ऐसे ऐसा ही था जी, बिल्कुल ऐसे ही था। और हसन तारिक साहब के साथ आपकी ज़्यादा फिल्म नहीं है? क्योंकि मैं उनकी हीरोइन नहीं थी ना। नहीं, लेकिन दीदार में आप फिर भी थी। जी, मैं दीदार में थी। दीदार में एक स्टार में मैंने किया था उमराव जाना दा। उमराव जाना दा का बिल्कुल शुरू का गाना जो था वो था आपका, और दीदार में आपका रोल था क्योंकि वो शाहिद का जैसा जो वो था जी जी, उनकी रानी जो थी उनकी हीरोइन थी, उनकी बेगम थी जी जी बिल्कुल। आपको भी जो डायरेक्टर्स थे जैसे परवेज मलिक साहब के साथ बहुत अच्छे, लंबी एसोसिएशन रही दुश्मन से लेके जंजीर तक, बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत ही अच्छे। और आपने 50s के हीरोज सुधीर, यूसुफ खान, कमाल, इनके साथ भी काम किया, 60s के लोगों के साथ भी किया, 70s वाले गुलाम मोहिद्दीन और रंगू और जावेद शेख के साथ किया, और 80s में भी आप आए, तो मैं गुजारिश करती चलूं कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री के जितने हीरोज थे, 10 थे, 20 थे, 30, 40 जितने भी थे, अल्लाह ताला की रहमत से मैंने उन सब के साथ काम किया। बहुत अच्छे। तो जब हम फारिस से आ रहा था तो उसी फ्लाइट पे आप और कमाल साहब भी यहाँ से वहाँ तक आप लोग शूट कर आ रहे थे, यहाँ से वहाँ तक जी बनाया था ना आपने जी, जी, तो एयरपोर्ट पे हम लोगों ने साथ ही लैंड किया था और हम लोग वो इमिग्रेशन पे थे और इतना रश था कि वो मैंने अपने कस्टम ऑफिसर से वो जो वहाँ था मैंने तो तुम्हें बताया सच अ बिग स्टार कमाल एंड मुमताज आते बाहर देश प्रोटोकॉल, तो वो कह रहे हैं अच्छा चलिए आपको आए, मैंने मेरी पहली मुलाकात आपसे फर्स्ट टाइम वहाँ कमाल के साथ, कमाल वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एज वेल एज फैमिली कनेक्टेड फ्रॉम बेरठ, वो मेरठ के थे, उनकी अम्मा मेरी वालदा की बहुत करीबी मेरठ से दोस्त थी,
खाना बुगनी कहलाती थी उनकी वाकई, तो वो यहाँ से वहाँ तक अच्छी फिल्म थी और वो काफी आप लोगों ने वो सीट में शूट किया था उसने, आपको याद है फिल्म? जी जी याद है। तो ये क्या कहता बोलो मैं कह रहा था कि मुमताज साहिबा शायद वो वाहिद पाकिस्तानी एक्ट्रेस है जिन्होंने डिज्नी का पिक्चराइज कराया है कमाल के साथ, डिज्नीलैंड में नहीं था ज़्यादा वो जो उसमें शुभाल उसको कह दिया था कि हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, क्या कुछ याद है आपको? जी वो बिना परमिशन के शूटिंग हो रही थी और अल्लाह जिंदगी ने अल्लाह ताला गरीबे रहमत फरमाए कमाल साहब को, परमिशन तो आपको पता हम लोग नहीं ले सकते, बहुत महंगी है वहाँ की, पता नहीं कितने मिलियंस डॉलर जो है हमें वो रखने पड़ते हैं उसके लिए शूटिंग के लिए। तो हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो अचानक वहाँ की उनकी पुलिस आ गई, तो जिसके हाथ में जो जो लगा वो उठा के भागा, उन्होंने कहा कि चीज़ों को बचाना चाहिए। लेकिन कमाल साहब बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, प्रोड्यूसर भी बहुत अच्छे थे, डायरेक्टर भी बहुत अच्छे थे और इंसान तो बहुत ही अच्छे थे। और उन्होंने एक टाइम में मुझे बहुत बड़ा ब्रेक दिया था यहाँ से बदनाक में, जिसमें वही कुरान पे गाना पिक्चराइज हुआ था सलमा, मुझे प्यार करो सलमा जो था जी जी। उसकी डायरेक्शन शायद कमाल साहब ने बहुत जबरदस्त दी थी जी। उस जमाने के लिहाज से बहुत वेल अहेड ऑफ इट्स टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच ऑन दैट नोट आई थिंक वी एंड द सेशन। मगर मेरा आपसे एक जाते जाते सवाल, अगर आपको पाकिस्तान के टेलीविजन ड्रामों में प्राइवेट प्रोडक्शन में ऑफर आ जाती है कि आप करें, आपके जो उस वक्त सिचुएशन है उसके तहत आपको एक अच्छा सा कैरेक्टर मिलता है, आप रेडी हैं? देखिए सबसे पहले जो मेरी प्रायोरिटी है वो मेरा बेटा, क्या है मेरा बेटा जी जी, वो काम करें तो अगर वो काम कर रहे हैं तो मुझे करने में कोई अतराज नहीं है, मैं जरूर करूँगा। करेंगे आप? चले ये तो मैसेज दे दूँगा मैं MVP को और जियो वगैरह को, कल यही दे देगा मैसेज कि आप रेडी हैं तैयार हैं, क्योंकि इनको बहुत तलाश है जी जी। आप ऐसे मजे हुए यू नो और नॉन लोगों की तो तलाश होती है, उससे ड्रामे की वैल्यू भी बढ़ती है और उसकी सिग्निफिकेंस भी होती है कि आप काम कर रहे हैं, तो दैट स्ट्रेंथ को ऑन दैट नोट उतार बेगम आई थैंक यू, थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ जुनेद जुबैरी एंड कुलसुम अफ्ताब एंड नापा जावेद इकबाल द चेयरमैन एंड द इंटायर फैकल्टी ऑफ नापा के आप यहाँ तशरीफ लाएँ, आपने यहाँ अपने बारे में कुछ बातें की, साहबजादे आए आपके उन्होंने बातें की, थैंक यू समीना फॉर बींग हेयर, थैंक यू सुहेब फॉर